गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा पाँचवीं। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ तीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि एक कवित्री हैं, कविता लिखने वाली हैं। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो आप ये कविता किसने लिखी है? इसकी रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म सन 1904 में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि तेज अक्ल और काव्य प्रतिभा यानी कविता रचने का गुण होने के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती यानी प्यारी थी। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला। महादेवी वर्मा वो भी एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। इन्हें उनके बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गए। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत यानी कि जीवित रहने तक रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड कब? अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, वहाँ पर हुआ था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थे। बाग का केवल एक दरवाज़ा खुला हुआ था, अतः लोग वहाँ घिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान हमें आज भी मिलते हैं। क्योंकि यह कांड जलियांवाला बाग में हुआ था, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से कहते हैं। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इसी बीच में गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए और असहयोग आंदोलन यानी जिसमें लोग सहयोग नहीं करते हैं उसमें भाग लेने के लिए बच्चों को आमंत्रित किया, छात्रों को। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और उनके पति लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से अपना योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे। उनके भाषण जोशीले होने के कारण दूसरों में भी जोश पैदा करते थे और बीच बीच में वे कविताएं भी सुनाती थीं, जिनमें से एक हैं विजयनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग लेठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाएं बलिदान। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, तब वे गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सुधा रखा। उसके बाद अजय एवं विजय दो पुत्रों का जन्म हुआ। उसके बाद इन्हें दो पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम अजय और एक का विजय था। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल एवं सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सेक्सरिया पुरस्कार जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, जिसमें उस समय 500 रुपये और मानपत्र भेंट में दिया जाता था। इन्हें वह मिला पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। उनके कहने पर इन्होंने कहानियाँ लिखना भी शुरू किया, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। उन्हें बिखरे मोती जो इनकी एक कहानी है उसे छपवाने के लिए इन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः सेक्सरिया पुरस्कार मिला। इसके लिए उन्हें दोबारा सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह ने इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे।
सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। जब भी वह इलाहाबाद में जाती तब वह अपनी सहेली महादेवी वर्मा से भी मिलती, क्योंकि वह वहीं रहती थी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तब वह समाज सेवा में कार्य करने लगी। समाज सेवा यानी समाज की सेवा करने के लिए काम करने लगी और कुछ कविताएं भी लिखने लगी। वह या तो जीवन से संबंधित कविताएं लिखती थी या फिर बच्चों पर आधारित कविताएं लिखती थी, जिसमें से एक है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ऐसी ही उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। इन्होंने जबलपुर में महिला सुरक्षित सीट में यह विधानसभा के सदस्य में निर्वाचित हुई थी। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। जब वह विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई तब लोग उनके पास आते थे अपनी परेशानियाँ लेकर, और वह उनकी सहायता भी करती थी। तब इन्होंने एक अनाथ बालिका को अपने यहाँ पर रहने के लिए आश्रय यानी स्थान भी दिया था, और इनकी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई। वो दो बार जबलपुर विधानसभा की सीट से चुनी गई थी और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। यह समाचार सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। आध्यात यानी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दिल पर लगने वाली चोट होती है ना, वैसे वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। जब उन्हें गांधी जी की मृत्यु के बारे में पता चला तब वह थोड़ा टूट गई थी, और शायद उन्हें अपनी मृत्यु का आभास भी हो गया था। मृत्यु के आभास भी हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। जब उनकी मृत्यु होने से 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा था कि मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब वह विधानसभा की बैठक से घर लौट रही थी तब 1948 में उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वह एक बहुत अच्छी कवयित्री भी थी, साथ ही साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिलवाने में एक तरह से योगदान दिया था, और उन्हें आज बहुत अच्छी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।